today I am going to tell you about a pin which is helpful to those who are doing trading online. अगर आप share trading का काम करते हैं और ping नहीं जानते हैं तो आप अपने server पे proper start नहीं कर सकते. इस तरह से कार को चलाने के लिए चाबी चाहिए और उसी तरह से आपको सर्वर पर ट्रेडिंग करने के लिए पिंग करना पड़ता है जिससे कि आपका सर्वर स्टार्ट हो और आपका टर्मिनल स्टार्ट हो जिसपे आपको शेयर ट्रेडिंग करना है. और अगर आपको ये मेरी इंफॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. व्हाट इज़ अ पिंग? A ping is a data packet that is sent out to the IP address. अब IP address हम आपको बता देते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो किसी भी साइट का मेन एड्रेस होता है जिस पर हमारा पैकेट पिंग से जाता है. That data packet is transmitted over the network routers unless it reaches to specified final IP address. On receiving the data packet, a ping device return a response called PONG. जब आप ping करते हैं किसी specific IP address को connect करना चाहते हैं तो वहाँ से अगर proper way से वो connect हो जाता है तो आपके पास response return होता है जिसको PONG कहते हैं. When the host that sent the response received the PONG, it can calculate the latency if the host failed to receive the PONG request time out. The host get an error message or notification of data loss. और अगर आपका पॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप कनेक्शन नहीं कर पाते हो और आपको एरर मैसेज दिखा देता है. और अगर कनेक्ट हो जाता है तो आपका वो दो डिवाइसेस के बीच में लेटेंसी को चेक करता है. पिंग इज अ यूटिलिटी दैट चेक इफ एन आईपी एड्रेस और हॉस्ट इज अवेलेबल ओवर अ नेटवर्क ऑन नॉट. पिंग आपका चेक करता है कि जिस आईपी एड्रेस को आप कनेक्ट करना चाहते हैं, जिस हॉस्ट को आप कनेक्ट करना चाहते हैं, वो नेटवर्क पे अवेलेबल है कि नहीं. किसी टाइम सर्वर डाउन होता है तो आपका नेटवर्क पे कनेक्शन नहीं हो पाता. इट गिव्स यू अ शॉर्ट विंडो अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टाइम बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. तो दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में रिस्पॉन्स की अवेलेबिलिटी को बताता है. एक ऐसी विंडो खोल के जिसमें वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है जैसे ही आप पिंग लिखते हैं. इट सेंड ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल पैकेट्स टू द होस्ट आईपी एंड वेट फॉर द रिस्पॉन्स पर रीच. अब जो पैकेट जाता है वो क्या जाता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जाता है. आप अपना मैसेज करते हैं पिंग करके तो वो रिस्पॉन्स करता है. It verifies the reachability of domain on the internet protocol IP network. और फिर वो बताता कि कौन जिस IP address को आप connect करना चाहते हो वो verify करता है कि किसने हमको connect किया है. Pinging certifies that device is live, available and performing networking operation at a speed. और वो ये clear कर देता है आपको कि हाँ हम available हैं और आप अपने network पे काम स्पीड को स्पीड से कर सकते हैं. और एक विंडो आपके सामने आ जाती है, फिर आप अपने टर्मिनल पे अपने शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू कर सकते हैं. पिंग कैसे करते हैं वो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके देख सकते हैं जिसके इतने ऑप्शन हैं, जिसको आप CMD पे कमांड प्रॉम्प्ट पे ट्राई कर सकते हैं ये वन बाय वन. इसीलिए हमने पूरी लिस्ट आपको दे दी है, लेकिन ये कैसे लिस्ट आई है ये भी हम बता देते हैं. तो विंडो प्लस R दबाइएगा तो आपके पास ओपन हो जाएगी विंडो, उसमें CMD लिखिएगा और ओके कर दीजिएगा. अब आप यहाँ पे जब पिंग लिखिएगा तो आपकी वही लिस्ट सामने आ जाएगी जो हमने आपको दिखाई है. ये देखिए वही लिस्ट सामने आ जाएगी जो हमने आपको दिखाई है. अब आपको मान लीजिए गूगल में पिंग करना, तो पिंग करके आप google.com करिएगा तो ये देखिए ये सारा आने लगा कि गूगल अवेलेबल है विथ 32 बाइट्स ऑफ डेटा. रिप्लाई कर दिया उसने, टाइम दे दिया उसने, पिंगिंग स्टैटिक्स दे दिया उसने, पैकेट्स दे दिया, चार पैकेट गए और चार रिसीव हुए, लॉस्ट एक भी नहीं हुआ. अप्रॉक्सीमेट राउंड ट्रिप टाइम इज मिली सेकेंड, दैट इज 53 मिली सेकेंड, मैक्सिमम 509 मिली सेकेंड, एवरेज
2.18 मिलीसेकंड। तो ये सब बता रहा कि कितने जल्दी वो आपसे कनेक्ट हुआ। अब हमको मान लीजिए पिन करना है फेसबुक पे, तो facebook.com। अब ये देखिए फेसबुक पे उसने कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आप पिंगिंग कर सकते हैं किसी भी साइट में, और अगर आप ऑथराइज हैं तो वहाँ पर आप काम भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूट्यूब लेता है कि नहीं लेता है, कि कितनी स्पीड है उसकी। इसमें देखिए इसकी स्पीड डिफरेंट है, इसमें मैक्सिमम 144 है, एवरेज 82 मिली सेकेंड है, और मिनिमम 55 है फेसबुक में। लेकिन 4 सेंट और 4 रिसीव पैकेज इसमें हुआ। अब यूट्यूब पे देखते हैं क्या देता है। जब हम यूट्यूब पे करते हैं तो ये 4 पैकेट फिर ले रहा है, लेकिन इसकी स्पीड क्या है, 58 है, सबसे ज़्यादा है मिली सेकेंड, मिनिमम सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम 243 है जो गूगल से कम है, एवरेज जो है 106 है। तो गूगल की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज है, राउंड ट्रिप जो है उसकी इतने मिली सेकेंड में वो काम कर रहा है। तो इस तरह से हम पिंग करके किसी भी साइट पे उसकी इंटरनेट की स्पीड, उसकी इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। पिंग जो होता है एक तरह का से कनेक्ट करता है आईपी एड्रेस से, जो एक जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है वैसे ही आईपी एड्रेस किसी भी साइट का होता है। तो इस तरह से पिंग पे हम काम कर सकते हैं। इसके बारे में हम और भी चीज़ें बताएंगे वन बाई वन, लेकिन अभी इसमें इतना ही है। यहाँ से वापस जाते हैं। हाउ डू यू पिंग समवन ऑन फेसबुक, वो अभी हमने आपको दिखाया। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, फेसबुक पिंग facebook.com लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आप पिंग कर जाएंगे। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर, गो टू कम्युनिटी, आंसर ऑन पोल, कमेंट ऑन वीडियो, फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक, और व्हाट्सएप पे कैसे करते हैं इसके लिए हम शॉर्ट बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सएप मेरा इंस्टॉल नहीं है, तो हम यहाँ से आपको व्हाट्सएप का पिंग नहीं दिखा पा रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को पिंग कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो हमने वीडियो बनाया है, शाम तक आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टुडे। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर। थैंक यू।